तो मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज करवा चौथ है, तो रात में ये लगा ली मेहंदी, ऊपर रखा था टाल पे तो निकाल के धो लिया, और चलते हैं खाना बनाते हैं। तो शाम के लिए जो मेरे यहाँ है, तो ये दाल गला दी थी, तो ये फरा बनते हैं हमारे यहाँ, भकोसे बोले जाते हैं, वो बनेगा, और कढ़ी चावल पूड़ी रोटी सब्जी। तो बस अभी फटाफट खाना बना लेते हैं। छोटे छोटे पुआ वगैरह भी बनते हैं पूजा में, पूड़ी पुआ आसे वगैरह आटे की, तो वो बना लेते हैं, और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे पूजा पाठ की। तो कढ़ी बना लेते हैं सबसे पहले, फिर चावल, और फिर पूड़ी और पुआ वगैरह भी बनने हैं, तो बनाने जा रहे हैं कढ़ी। और ये देखिए मेहंदी मैंने अपने हाथों से ही लगाई है, इस हाथ में लगा नहीं पा रही थी इसलिए मैंने ये सर्कल बना करके रख लिया, और इसमें भी लगा लिया, पहले बहुत अच्छी लगा लेती थी। कढ़ी बन रही है और चावल धो के डालने जा रही हूँ, और ये लोग खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, तो वो टीवी की आवाज भी आ रही है। और ये घोल दिया है मैंने, इसमें चीनी घोल रखी है, तो थोड़े से पुआ बनाएंगे और पूड़ी भी बनाएंगे। ये हो गया चावल, और कढ़ी भी देखिए खदक गई अच्छे से। तो ये बन रहे हैं पुआ, तो छोटे छोटे पुए बनाए जाते हैं, और पूड़ी भी और आसे भी बना ली हैं। तो ये चने की दाल है जो मैंने रात में गला दी थी, तो इसको पीस लेते हैं। इसमें डाल देंगे धनिया, मिर्ची, अदरक, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हींग, नमक और गरम मसाला, तो डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये हमारे यहाँ करवा चौथ पे ज़रूर बनता है, तो इसको लोग मतलब सिंपल भी खाते हैं, और इसको काट के मैं फ्राई भी कर देती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, भकोसे या फराक कहते हैं इनको। और अब आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के आटा गूंद लेंगे, और फिर छोटी छोटी लोइयां बना के इसी दाल, पीसी हुई दाल को इसमें भर देंगे गुजिए की तरह, और फिर उबलते हुए पानी में थोड़ा सा
तेल डालेंगे और उसके बाद ये फरा डाल देंगे एक एक करके, तो ये थोड़ी देर में पक जाएंगे। और फिर इनको कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, और इसको राई और हरी मिर्ची के साथ तड़का लगा के करी पत्ता डाल के बढ़िया काट के छोटे छोटे टुकड़े में छोंक लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी। पूजा का सामान देखिए बना लिए, पूड़ी कुचैया, कुचैया बोलते हमारे यहाँ, और पुआ छोटे छोटे, और ये आसे ये बना लिया है, और ये दाल पीस ली है, तो ये भकोसे, भकोसे हमारे यहाँ बोलते हैं फरा, तो ये बना रहे हैं। और आज क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड हैं घर में, तो मैंने कहा दाल पीस दो, तो मिक्सी उधरी रखी है, तो उन्होंने पीस दी तो गीली हो गई दाल, तो मुझे अब थोड़े बड़े बड़े बनाने पड़ रहे हैं भकोसे, तो उन्होंने पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, मैं इधर किचन में लगी थी तो थोड़ा सा गीली हो गई है, तो बड़े बड़े थोड़े से भकोसे बना देती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बन जाएंगे। तो पूजा के लिए सामान बना लिया है, अब रख देते हैं इसमें। तो ये भकोसे भी बन गए हैं परा, और अब रख देते हैं, पूजा का सामान सब बन गया खाना, अब बस पूजा की तैयारी कर ली। तो ये कांसे का करवा है जो कि मेरे मायके से आया था, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी के यहाँ मायके से ही पहला करवा चौथ होता है, तो मायके से ही करवा आता है और उसी से ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो मैंने इसको हल्दी और चावल के ऐपन से सजा दिया है, छोटे छोटे फूल बना के, और उनके साथ सिंदूर भी लगा करके इसको सजा दिया है। अब एक छोटी सी माला बना के करवे में पहना दूँगी, और ये मिट्टी की गौर भी बना ली है मैंने तुलसी मैया से मिट्टी लेके। पूजा की हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ करवा चौथ की पूजा करने के लिए, और सब तैयारी कर ली है, और देखिए मैंने लहंगा जो मैं लेके आई थी, लहंगा मैंने पहना है। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, और अब चलते हैं पूजा कर लेते हैं, सुबह से किचन में लगी थी। तो कांसे के करवा में जल और दूध डाल करके अर्घ देते हैं, और एक मिट्टी का नया करवा खरीदते हैं, तो उसमें चूरा और वही पिन्नी आसे और पेड़े मंगाए थे, पेड़े भर दिए, पुए भर दिए, पूड़ी रख देते हैं ऊपर से, और जो कांसे का रहता है उसमें जल और दूध, ऊपर से चावल का एक कटोरी रख देते हैं, और वैसे ही रख देते हैं, ज़्यादातर यही सभी क्या होता है। तो करवा चौथ मैया की पूजा करने से पहले तुलसी में आ गई दीपक रखने के लिए, और फिर घर की पूजा पाठ की, और उसके बाद की अपनी करवा चौथ माता की पूजा। Oh, mm-hmm.
तो ये लहंगे के साथ मैंने एक चुनरी ओढ़ी है जो कि मेरी शादी की चुनरी है। तो जब घर में कोई पूजा पाठ या तीर्थ त्यौहार वगैरह होता है तो मैं ये चुनरी ज़रूर पहनती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड के साथ मैंने कुछ फ़ोटो खिंचवाए और मेहंदी देखिए मैंने लगाई और उन्होंने मुझे गुलाब का फूल दिया। तो ऐसे ही सबका प्यार बना रहे और क्या चाहिए। और फिर की पूजा पाठ तो यहाँ मैंने करवे बदले जाते हैं तो मैं गौर मैया से जो गौर मैंने बनाई थी उसी से मैं करवा चेंज करती हूँ और फिर पूजा करने के बाद छत पे जाऊँगी अर्घ देने के लिए। चांद की इंतजार हो रहा है, चांद निकलने का इंतजार हो रहा है, तो चलते हैं छत पे। तो आ गई छत पे और बेटा तो काफ़ी टाइम से ही छत पे था, वो देख रहा था कि चांद निकला कि नहीं कि मम्मी को जल्दी से बता दें। और मेरे अगल बगल भी सब खड़े चांद का इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद ही चंदा निकल आया और फिर सभी लोगों ने मिलके पूजा पाठ की। सब अपनी अपनी छतों से पूजा कर रहे थे। और नीचे आके मैंने गौर मैया से सुहाग लिया और उसके बाद अपने हस्बैंड को टीका किया। ये गिफ्ट मिला है मुझे। पूजा हो गई है, चंदा मामा निकल आए, सबने पूजा कर ली, सबको हैप्पी करवा चौथ। और अब बस पेड़ पूजा और व्रत खुलवाया जाएगा। देखिए चांद दिख रहे हैं पीछे।